तुम्हाला पण आणि सगळ्यांना इकडे माझ्या आणि माझ्या परिवाराकडनं सगळ्यांना नवीन वर्षांची शुभकामना. पहिल्यांदा नाही, पहिले पण गेलो आहे मी. मला कुठला ते शो होतं, झी हां झीचा शो होता, काय ना चला हवाई होतं. ते आता बंद झालं काय? बरं सुरू होतं, ते एक सीझन संपलं असेल. बरं, आय मला ॲक्च्युली आय वॉन्टेड टू कम इन दिस शो बिकॉज मला एक तर संगीत आवडतं अँड ऑब्व्हियसली मला आपल्या फिल्मची प्रमोशन पण करायची आहे. मला सांगायचं आहे लोकांना की व्हॉट पॅडमॅन इज ऑल अबाउट. एक असा सब्जेक्ट आहे, एक टॅबू सब्जेक्ट आहे की कोणी बोलतच नाही आणि सॅनिटरी पॅडबद्दल कोणीच बोलत नाही. And that I want to bring it in front of the audience. I want to tell people about it, that it is as normal as getting a cough or a cold. Just like that you get your periods and that is it. The meat meat of the tez bolaycha tyancha barobar ani sangaycha. So I thought he je platform hai Saregama pa, it's a big platform ani purna Maharashtra he bakta the program and mala vatla ki mala asa jayalas paije. मग असं म्हणजे मला जास्त गाणी येत नाही मराठीचे, मला हे पण ते डबल मिनिंग गाणं येतं. ढगाला लागली पाणी थेंब थेंब, सॉरी बट मला ते गाणं येतं, दॅट्स इट. अरे त्याला पण विचारू दे ना काही. नहीं नहीं, मैं इन लोग तो बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं, मैं कोई टिप देने आया नहीं हूँ इधर. मैं इधर अपने प्रमोशन करने के लिए आया हूँ और इनको गाते हुए सुनूंगा, मज़ा आता है. और मैं आई ऑलवेज एनवी, मुझे मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई अच्छा गा सकता है. तो मुझे क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैंने तो एक दो वो तो क्या कहते हैं उसको ऑटो ट्यूनिंग के हिसाब से मेरी आवाज़ को उठाई है, ऐसा कुछ मैं गाता नहीं हूँ अच्छा. तो लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब कोई सिंगर गाता है. आई फील दैट उसको भगवान की बहुत अच्छी देन है कि वो इतना अच्छा गा सकता है और लोगों का मनोरंजन कर सकता है. नहीं, कंपटीशन नहीं है भैया, बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा हफ्ता है, बहुत सब फिल्में आ सकती हैं, दोनों फिल्में आ सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. And every film has the right to come whenever they want, and I'm happy for them. Ha kaale abhi kela hota na ek baar, tyachya nantar te aatach kela hota 2 aathwadyapurvi je apan maji ek Mr. Pramod film chi ek film aali hoti and mi naav visarlo, Deva. मी एक फिल्म प्रोड्यूस केलं होतं ना आता, नाही आतापर्यंत नाही. टू बी ऑनेस्ट मैं तेको बोलू की मेरे को मराठी सिनेमा आय थिंक दे आर अ व्हेरी इंटेलिजेंट सिनेमा. मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ और मैं समझता हूँ, मैंने कुछ फिल्में देखी हुई है मराठी एंड आई फाइंड देम वेरी इंटेलेक्चुअल एंड दे आर वेरी डीप फिल्म. I have seen couple of films and a lot of films I think I mean say do teen filmon ke mere paas rights bhi hain. Main wo film mein banana chahta hu, hindi mein banana chahta hu, so I have taken the rights of that film. So I find the Marathi cinema one of the best and intellectual cinema they make. ते आता पण चालू आहे, लिहिलं जाणं म्हणजे सर लिखणं चालू आहे. काय झालं ना आतापर्यंत? हा जी सांगा.
I'm sure the government is doing what it has to do. But I consider कि जो rural areas हैं हमारे देश में, where the 90% the 90% where people don't have women don't have access to sanitary pad. I think I mean say the government should try and give them not tax free but बल्कि give them free of cost. Because I believe, hey, this is my statement. I want to make it: woman strong, country strong. This is just a competition, and इसमें ये नहीं है कि जो नहीं जीतेगा उसको कुछ नहीं है. I know many things. मैं बताता हूँ, मैंने इतना स्क्रीन टेस्ट दिया है. जब मैं फिल्मों में आने की कोशिश कर रहा था, मेरे को नहीं मिला, और जिसको मिला वो नहीं बन पाया, मैं बन गया. सो ऐसा कुछ नहीं है. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. दिस इज जस्ट एक पड़ाव है जहाँ कभी कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन अगला पड़ाव बहुत बड़ा होता है. आमचं माझं आणि मुंबईचं, मुंबईमध्ये मला सगळं भेटलंय. माझं मी जेव्हा 4 वर्षाचं होतो तेव्हा इकडे आलो होतो, आणि मुंबईमधलं मी जेव्हा इकडे आलो होतो माझ्या बाबाला 500 रुपयाचं सॅलरी होती, आणि त्याच्यामध्ये 100 रुपये आम्ही रेंट भरायचो, आणि 400 रुपयेमध्ये पिक्चर पण बघायची एव्हरी सॅटर्डे. आणि त्याच्यानंतर मुंबई हॅज बीन सो ग्रेट, सो काइंड, सो गिविंग. सो व्हॉटएवर आय हॅव अचीव्ह, whatever I have in my career, in my life, I owe it to Mumbai. Ya road should be okay. I have to go live. देखो बहुत सारे तरीके हैं. दूरदर्शन है, जी वालों के पास मेरी सैटेलाइट और डिजिटल है, और वहाँ जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाएंगे, एंड लॉट ऑफ पीपल कैन सी इट. जस्ट लाइक हाउ टॉयलेट हैव रीच, आई एम श्योर दिस मूवी विल आल्सो कला है. मराठी कला, वेदर इट्स फिल्म, वेदर इट्स म्यूजिक, वेदर इट्स सॉन्ग, इट्स एक्चुअली बिकम वेरी ट्रेंडी राइट नाउ. बट लोगों को पता नहीं है कि बहुत सालों से बहुत क्वालिटी का काम हो रहा है, और अभी इतना यू नो पॉपुलर हो गया है कि हम यहाँ आके प्रमोट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है. हाँ जी, एक्चुअली मुझे कुछ मराठी गाना अभी याद नहीं है, मगर मैं यहाँ शो पे जाके मैं सुनने वाली हूँ. देखते हैं कौन से मराठी गाने वो गाएंगे. पर मुझे ज़्यादा क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है, इंडियन क्लासिकल. मुझे सितार और बांसुरी सुनना यू नो बहुत बहुत पसंद है, तो आई लिसन टू क्लासिकल म्यूज़िक अ लॉट मोर देन एनीथिंग. मेरे हिसाब से Everybody is a winner. I don't believe in competition. Honestly, मुझे बहुत ऐसा होता है जब मैं शोज़ पे जाती हूँ और मुझे बोलते हैं कि कमेंट करो उनकी परफॉर्मेंस पे कि ये इससे बेहतर है, कि ये बेहतर है, मुझे बहुत बुरा लगता है. तो मैं बोलती हूँ कि सब अच्छे हैं. द वेरी फैक्ट दैट वो मंच पे जाके कम्पीट कर रहे हैं, इट्स अ बिग डील, यू नो. एंड आई डोंट बिलीव इन हैविंग सो मच कॉम्पिटिशन, वेदर इट्स ऑन शोज, वेदर इट्स इन म्यूज़िक. हम आते हैं यहाँ पर, हम अपनी फिल्म्स प्रमोट करते हैं, और ये बहुत ही यू नो मनोरंजन है. आई गेस इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, बट आई स्टिल फील बैड व्हेन समबडी लूजेस एंड समबडी विंस. आई थिंक एवरीबडी शुड बी अ विनर. ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ऐसे. हाँ जी, हाँ जी. नहीं, एक्चुअली रिसेंटली मैंने
मैं ज़्यादा फिल्में मैंने एक्चुअली हिंदी फिल्म भी नहीं देखी हैं रिसेंटली. एक पिछले एक दो सालों से आई थिंक मीडिया के टाइम पे मराठी फिल्म आई थी दो साल पहले और मुझे नाम याद नहीं है बट बहुत पॉपुलर हो गया था एंड आई थिंक इट वन द नेशनल अवार्ड विद मी. इट डिड विन द नेशनल अवार्ड विद मी. फेरा ट्रेन मिला था. कौन सा हमें एक मराठी फिल्म को मिला था नेशनल अवार्ड विद मी. वेंटिलेटर करेक्ट. हाँ तो आई थिंक इट वॉज राजू सर के प्रोडक्शन का था ना. करेक्ट. हाँ सो आई रिमेंबर दैट फिल्म. वो तो दो साल पहले की पुरानी फिल्म है ना. सो इज इट रियली मेरे को अनाउंस नहीं हुआ ना ऑफिशियली अब तक. हाँ डेट आई है. चलो अच्छी बात है जी. मेरे हिसाब से कंपटीशन की ज़रूरत है आजकल फिल्मों के लिए एंड इट्स हाई टाइम दैट द फिल्म रिलीजेस. तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड सिनेमा इज़ गुड सिनेमा विच एवर फिल्म. आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन. हमारी जो फिल्म है बहुत ही सरल स्वीट सिंपल फिल्म है एंड आई थिंक ऑनेस्टली आई एम जस्ट हैप्पी दैट द फिल्म इज़ रिलीजिंग मोर देन एनीथिंग एल्स एंड आई होप द फिल्म डज वेल. आई एम प्रीटी श्योर दैट इट्स नॉट ऑफिशियली रिलीज बिकॉज रेनड्रॉप इज विद मी हियर. They have said that मेरे को उन्होंने कहा कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है प्रोडक्शन हाउस से या वायकॉम से. तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है प्रेस ने अपने आप लिख दिया. ऑनेस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता आजकल बट आई डोंट थिंक इट शुड बी टैक्स. इट शुड बी टैक्स फ्री बट इट शुड बी टैक्स फ्री फॉर श्योर एंड इट शुड बी मोर चीपर फॉर श्योर. पर हमारे यहाँ ऐसी कुछ होती है इस पर होम ग्रोन यू नो जो होम ग्रोन चीज़ें होती हैं जो इंडिया में बनाई चीज़ें होती हैं दे शुडन बी टैक्स सो हाईली. देर शुडन बी सच अ हाई टैक्स ऑन इट एंड इट शुड बी ऑब्वियसली मोर चीपर फॉर पीपल टू कंज्यूम दैट मोर. हाँ जी मैं गा नहीं सकती हूँ इसलिए मैं एक्टिंग करती हूँ. पर मैं बिल्कुल गायक नहीं हूँ. बिल्कुल गायक नहीं हूँ पर मुझे बहुत पसंद है यू नो अच्छा म्यूजिक अच्छी म्यूजिक अच्छा गाना सुनना. आपको लगता है कि आपको नेशनल अवार्ड देना पड़ेगा. ऐसा ऐसी कोई बात नहीं. मैं कभी फिल्म करती नहीं हूँ अवार्ड्स के लिए. मुझे लगता है कि अच्छा काम करना चाहिए अच्छे सिनेमा का हिस्सा होना चाहिए. हर साल इम्पोर्टेंट है सबके लिए. क्या लगता है मुझे बेटा नहीं मेरे तीन रिलीजेज हैं इस साल मेरे लिए और मैं तीन फिल्म शूट भी कर रही हूँ. तो अभी मैं एक नई फिल्म शुरू करने वाली हूँ फेब्रुअरी में. फिर जोया फैक्टर शुरू करने वाली हूँ और मेरे तीन रिलीजेज हो रहे हैं. तो फिल्मों के सिवाय मेरे मुझे और कुछ टाइम ही नहीं और किसी के लिए. ये सिल्क साड़ी है बहुत ही खूबसूरत साड़ी. नया डिज़ाइनर मुझे याद नहीं है डिज़ाइनर का. बहुत ही खूबसूरत है तो साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है जी. मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कभी बात नहीं करती हूँ. मैं बात नहीं करती हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में. 10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में रही हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. धीरे धीरे वेडिंग मई में रिलीज़ होने वाला है और पैडमैन पे धीरे धीरे वेडिंग और फिर दत्त. तो इसमें टाइम ही कहाँ है मेरे पास. और फिर मैं या अभी फेब्रुअरी मार्च में शूटिंग करने फेब्रुअरी मार्च अप्रैल मेरी 3 महीने की शूटिंग शुरू होने वाली है विनोद अंकल की दूसरी प्रोडक्शन के लिए. ओके नो मोर क्वेश्चंस. थैंक यू.